जनता को सब्ज बाग दिखाकर 50 लाख रुपए ठगे, कंपनी संचालक फरार, एफआईआर दर्ज। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 3 मई 2020 को बेहतर मुनाफे का सब्ज बाग दिखाकर भविष्य निर्माण का सपना बुनकर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की आड़ में बल्दीराय थाना क्षेत्र की कंपनी ने 50 लाख की ठगी की है। पीड़ितों की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला ब्रोकर कंपनी अनिल बुलियन ट्रेडर्स से जुड़ा हुआ है। बताते चलें कि कंपनी के संचालक अजीत गुप्ता व उनकी पत्नी निहारिका गुप्ता ने मिलकर अनी बुलियन कंपनी की रचना की। इस कंपनी के फर्जी प्रपत्र दिखाकर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से स्वीकृति दिखाई गई। इसके बाद लोगों को 100 रुपए के स्थान पर बॉन्ड जारी किया गया। सोसाइटी के आधार पर उपभोक्ताओं को 40% प्रतिवर्ष मुनाफा देने की बात कही गई। लोगों के अकाउंट से और नगद धन राशि लेकर उन्हें प्लान समझाया गया। इस षड्यंत्र में कंपनी संचालक अजीत गुप्ता, पत्नी निहारिका के भाई राम गोपाल, भांजे विष्णु समेत बल्दीराय थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बा निवासी ज्ञान चंद्र कौशल और अयोध्या जिले के अजय उपाध्याय निवासी कुमारगंज कस्बा व थाना शामिल रहे। पूरे मामले में उपभोक्ताओं की तहरीर को संज्ञान में लेकर उपरोक्त लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर कोतवाली में धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। लोगों का धन हड़पने के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी सघनता से तलाश जारी है। अनी बुलियन कंपनी वाले आए, हमको समझाए और समझाने के बाद वो बताए कि 40% कम को लालच दिए। इसके बाद हमने उनको 2 लाख रुपए लगा दिए। अब उनका नंबर बंद बता रहा है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारा 2 लाख रुपए फटा हुआ है। अनी बुलियन कंपनी से एक ब्रोकर कई बार मेरे पास आया करते थे और वो बोलते रहते थे कि आप इसमें अपना पैसा लगाइए, आपको 40% ब्याज के साथ जो है पैसा हर साल मिलता रहेगा। और हमने वो कई बार उनको मना भी किया, लेकिन बार बार वो आते रहे, दूसरों को भी दिखाते रहे कि इनका इतना पैसा लगा, देखो इनको इतना फ़ायदा मिला है। और इस चक्कर में हमने काफ़ी पैसा, मेरे पास जो कुछ था काफ़ी पैसा निकाल के हमने सारा पैसा उसमें लगा दिया। कुछ दिन बाद वो पता चला कि ये कंपनी भाग गई। उन्होंने हमें एक फर्जी बॉन्ड भी दिया था। अब उस बॉन्ड का भी कोई मतलब नहीं रहा। वहाँ जाता हूँ तो एड्रेस पर कोई मिलता नहीं, ताला लगा हुआ मिलता है। कोई पता चलता है कि यहाँ कोई कंपनी थी नहीं। और ये सब करते हुए काफ़ी दिन से मैं परेशान हूँ, दौड़ दौड़ जाता हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। जो हमारे पास पैसे हैं वो भी किराए भाड़े में खर्चा हो रहा है। अब क्या हुआ इसके लिए, फिर मैं था नगर कोतवाली गया और वहाँ पे हमने FIR किया है। थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर में तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक आईविजन और कुछ और कंपनियों का झांसा दे करके ग्राहक स्थानीय नागरिकों से शेयर मार्केट या और घरेलू उत्पादों के नाम पर जो है झांसा दे करके उनसे पैसे वसूले गए हैं। इस संबंध में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं पर कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जो भी इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को धोखाधड़ी लोगों के साथ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।